Assalamualaikum, it's me, Vikram Kumar from Shaheen Higher Secondary School, Kasimabad, Hyderabad. So, जी guys, अब mathematics समझने continue है. तो mathematics अगर आपको समझनी है continue रखनी है तो आप पहले इस YouTube channel को subscribe जरूर करें, उसके साथ साथ bell icon को press जरूर कीजिएगा. ठीक है guys? तो आइए देखते हैं आज की क्लास में हम क्या समझेंगे. तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 22 समझेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 22 एक थ्योरेटिकली स्टेटमेंट गिवन है. तो थ्योरेटिकली स्टेटमेंट को रीड आउट करें, समझें क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना. ठीक है, तो आइए देखते हैं, समझते हैं. फाइंड इन व्हाट रेशोस द जॉइन ऑफ दी टू पॉइंट्स, ज्वाइन ऑफ दीज टू पॉइंट. ठीक है, ये ज्वाइन है इस कट बाय द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स. एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स मींस एक्सिस वर्ड यूज हो रहा है, पिलर एक्सिस का, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. सो इसका मतलब ये ज्वाइन, उस ज्वाइन को एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों डिवाइड कर रहे हैं, कट कर रहे हैं. तो जिस पॉइंट पे कट आउट कर रहे हैं एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस, किस रेशियो में फाइंड आउट कर रहे हैं, वो रेशियो कैलकुलेट करना है. सो देखिए इसकी डायग्राम ड्रा करेंगे तभी आपको फुली समझ में आ जाएगा गोल क्या है, कहना क्या चाह रहा है. ठीक है सर जी, जी देखिए डायग्राम ड्रा करेंगे आप. तो इसकी डायग्राम है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव. इंटरसेक्शन ऑफ दीज बोथ एक्सिस इज द ओरिजिन. अब पॉइंट्स है -2, -2. ठीक है, इस पर अब क्या ड्रा करेंगे. सो अब देखिए इनको अगर ड्रा करें हम पॉइंट्स के हिसाब से, ये लाइन सेगमेंट, ठीक, इस लाइन सेगमेंट फाइंड द रेशियो, इन व्हाट रेशियो द जॉइन ऑफ -2 ए नाम देते हैं -2, 2 सेकंड एंड पॉइंट ऑफ दिस जॉइन दैट इज बी हम नाम दे रहे हैं 4, 5. दिस जॉइन इज कट बाय द एक्सिस. सो इस जॉइन को एक्सिस जो है कट कर रहे हैं, एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स. सो एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा, कट कर रहा है इस पॉइंट पे, वाई एक्सिस जो है इस जॉइन को कट कर रहा है ऑन दिस पॉइंट. सही है, तो फाइंड ये कर रहा है एक्सिस, एक्स एक्सिस कट कर रहा है इस पॉइंट का, हम नाम देते हैं पी, यहां पर इसका नाम हम दे देते हैं क्यू. अब ये पॉइंट पी इज एक्स एक्सिस ए बी जॉइन को कट कर रहा है रेशियो में, वो रेशियो कैलकुलेट करना है. एज वेल एज क्यू पॉइंट मींस वाई एक्सिस जो है कट कर रहा है ए बी जॉइन को एट पॉइंट क्यू, एट व्हाट रेशियो, वो भी रेशियो कैलकुलेट कर रहा है. ठीक है, सो पॉइंट पी कट कर रहा मींस एक्स एक्सिस पे है, वाई की वैल्यू एक्स एक्सिस पे 0 होगी क्योंकि एक्स एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस वैल्यू ऑफ वाई इज 0. यहां पर देखिए वाई एक्सिस पे क्यू है, क्यू मींस वाई एक्सिस है, तो ऑन द वाई एक्सिस वैल्यू ऑफ एक्स इज 0, वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर होगी इसलिए वाई लिखा है. यहां पर एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर होगी वाई इज 0 है क्योंकि ऑन द एक्सिस है, ऑन द वाई एक्सिस वैल्यू ऑफ एक्स इज 0, ऑन द एक्स एक्सिस वैल्यू ऑफ वाई इज 0. ठीक है, तो ये है डायग्राम. आई बात समझ में, अगर ये चीज समझ में आ चुकी है तो सॉल्यूशन सिंपल है. ठीक है, अब पॉइंट पी के हिसाब से ए बी जॉइन को पॉइंट पी डिवाइड कर रही है इन व्हाट रेशियो, वो कैलकुलेट करेंगे. एज वेल एज पॉइंट क्यू डिवाइड द जॉइन ए बी इन व्हाट रेशियो. ठीक है, दोनों के हिसाब से रेशियो फाइंड आउट करेंगे. तो आइए कैलकुलेट करते हैं कैसे सॉल्व हो सकता है. डायग्राम
from diagram x axis cuts the joint AB at point P in ratio M1 ratio M2. ठीक है, ये रेशो कैलकुलेट करना है तो उसका रेशो का नाम दे दिया M1 रेशो M2. तो डायग्राम को देख के हमने यहाँ पर लिखा है x एक्सिस जो है जॉइंट ए बी को कट कर रहा है एट पॉइंट बी बी पॉइंट पे इन द रेशो M1 रेशो M2 ये कैलकुलेट कर रहा है. ठीक है, तो सो रेशो कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग रेशो फार्मूला. रेशो फार्मूला यूज करेंगे रेशो फाइंड आउट करना है तो. ठीक है, पॉइंट पी कट आउट कर रहा है तो पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू रेशो फॉर्मूला है M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 M1y2 प्लस M2y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2. दिस इज द रेशो फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक है, अब इस फॉर्मूला में M1 and M2 is the required ratio. बाकी रह गया X1, X2, Y1 and Y2. ये क्या है? तो देखिए पॉइंट P जो है कट कर रही है A B joint. तो A is the first point, X1 comma Y1. B is the second point, is X2 and Y2. ठीक है? तो इनको यहाँ पर देखते हैं. Coordinates of point A are -2, 2. And coordinates of point B are 4, 5. X1 -2, Y1 is 2, X2 is 4, and Y2 is 5. ठीक है? First point is X1 comma Y1. Second point X2 comma Y2. Now we are going to substitute these values in the formula. Point P vertices x comma 0 equals to M1 find out karna hai multiply X2 that is 4 plus M2 multiply X1 that is -2 divided by M1 plus M2 comma ठीक. इस साइड पे M1 find karna hai multiply Y2 वैल्यू इज 5 प्लस M2 फाइंड कर रहा मल्टीप्लाई बाय 1 उस वैल्यू इज प्लस 2 जो फाइंडेड बाय M1 प्लस M2 रिमेंस सेम. सही है, जस्ट सिंपली वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की एंड द फार्मूला. नाउ सिंपलीफिकेशन x कॉमा 0 सेम है M1 मल्टीप्लाई बाय 4 M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाय -2. तो पहले हम इसे साइन मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इनटू माइनस माइनस M2 मल्टीप्लाई बाय 2 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 सेम है कॉमा M1 मल्टीप्लाई बाय 5 M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई 2 के साथ सो 2M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2. ठीक, अब देखिए इस क्रम में A ऑर्डर का डोमेन कॉमन है, इस साइड पे B ऑर्डर का है, इस वेक्टर में M1 एंड M2 दो डिफरेंट टर्म्स आपस में प्लस एंड माइनस साइन से कनेक्टेड है. तो इनको ना प्लस कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं ना डिवाइड कर सकते हैं. Because these both terms are different, M1 and M2. तो क्या करेंगे? Order पे है. Domain common edge equal sign से connected है equal to the order पे. That is also domain common edge. दोनों order पे equal है. तो इनको compare करके हम sum करेंगे. Domain with domain and range with range से compare होगा. So by comparing, we get domain
m2 divided by m1 plus m2. रैंक विद रेंज कंपेयर होगा, रेंज इज जीरो, तो साइड पे है 5m1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. सही कंपेयर किया तो मींस डोमेन विद डोमेन एंड रैंक विद रेंज. अब फाइंड करना है रेशियो m1 एंड m2. तो रेशियो m1 एंड m2 कैलकुलेट करेंगे तो इस फैक्टर में से x वेरिएबल हो चुका है, उस साइड पे रेंज साइड पे जीरो नंबर है, तो m1 m2 इस साइड से फाइंड हो सकता है. इस साइड से नहीं, क्योंकि वेरिएबल x मौजूद है इसलिए नहीं सम कर सकते. तो उस फैक्टर को टेक आउट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे. अब देखिए जीरो इज इक्वल टू फ्रैक्शन में टर्म है, ये डिवाइड वाला फैक्टर अगर इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा बाकी 5m1 plus 2m2 7. सही है. अब जीरो मल्टीप्लाई n नंबर आंसर जीरो इक्वल टू 5m1 plus 2m2. ठीक, सिस्टम को हम 5m1 plus 2m2 इक्वल टू जीरो बात साइन है लिख सकते हैं. शिफ्ट किया इस फ्रंट को साइड पे, जीरो को साइड पे. अब 5m1 2m2 प्लस है तो साइड पे शिफ्ट करें माइनस 2m2 पॉजिटिव साइड पे नेगेटिव हो गया. m1 रेशो m2 फाइंड करना है. ठीक है, m1 उस साइड पे माइनस 2 के साथ m2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे शिफ्ट करेंगे डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू माइनस 2 सेम है डिवाइडेड बाय m1 के साथ 5 जो मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे शिफ्ट करेंगे 5 डिवाइड में शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, सो नाउ m1 रेशो m2 इक्वल टू माइनस 2 रेशो 5. तो इसका मतलब x एक्सिस जो है वो जॉइंट ab को डिवाइड कर रहा है माइनस 2 रेशो 5 है. सही है, तो फर्स्ट पॉइंट का रेशो ये गिवन है. सो अब क्या करेंगे, पॉइंट q y एक्सिस जो है डिवाइड जॉइंट ab को डिवाइड कर रहा है एट पॉइंट q पे, वो भी रेशो कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिमिलरली y एक्सिस जो है कट्स द जॉइन ए बी एट पॉइंट q एंड रेशो m1 रेशो m2 कह रहे. सही है, y एक्सिस जो है ए बी जॉइन को कट कर रहा है पॉइंट q पे एंड रेशो m1 रेशो m2 पे रेशो फाइंड कर रहा है, करना है हमें इसलिए लिखा है m1 रेशो m2. ठीक, रेशो फाइंड करना है पॉइंट q ज्वाइन को कट करें तो कैसे कैलकुलेट करें रेशो, रेशो कैलकुलेट करना है फार्मूला यूज करेंगे बाय यूजिंग रेशो फार्मूला. रेशो कैलकुलेट करना है तो रेशो फार्मूला यूज करके, रेशो फार्मूला यूज करने के रेशो फार्मूला है क्या, अब देखिए ए की ज्वाइन को पॉइंट q कट कर रही है डिवाइड कर रही है तो q x कॉमा y equals to m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2 comma m1 by 2 plus m2 by 1 divided by m1 plus m2. सही है, ठीक, ये फॉर्मूला यूज करेंगे. अब इस फॉर्मूला में q पॉइंट है जो डिवाइड कर रही है, x1 x2 y1 एंड y2 क्या है, तो q पॉइंट डिवाइड कर रही है जॉइंट ए बी को, तो हियर वर्टिसेस ऑफ ए आर माइनस 2 कॉमा 2 एंड वर्टिसेस ऑफ बी आर 4 कॉमा 5. ठीक है, सर ने ये क्या वर्ड यूज किया वो ही चाहिए. अब देखिए इसके ए फर्स्ट पॉइंट मींस x1 एंड y1 की वैल्यूज माइनस 2 y1 प्लस 2. बी इज द सेकंड पॉइंट मींस x2 कॉमा y2 x2
2 is 4, y 2 equal to 5. सही है, ठीक। अब इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं हम इन द फार्मूला। सो q पॉइंट डिवाइड्स द जॉइंट ab, सो व्हाट इज द qr 0 कॉमा y, सो 0 कॉमा y इक्वल टू m1 फाइंड करना है मल्टीप्लाई x2 जिसकी वैल्यू है 4 प्लस m2 मल्टीप्लाई x1 माइनस 2 है डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1 मल्टीप्लाई बाय y2 m1 मल्टीप्लाई बाय y2 जिसकी वैल्यू 5 है प्लस साइन m2 मल्टीप्लाई y1 वैल्यू ऑफ y1 इज प्लस 2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 ब्रैकेट ओवर ठीक। सिंपली वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया हमने इन द फार्मूला। अब करेंगे सिंपलीफाई इन टर्म्स को, उसके बाद देखते हैं कैसे सिंपलीफाई होता है, क्या टर्म मिल रहा है। ये 0 का मोबाइल सेम है इक्वल्स टू m1 मल्टीप्लाई बाय 4 4m1 ही रहेगा प्लस m2 मल्टीप्लाई माइनस 2 तो पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इनटू माइनस माइनस हो जाएगा n2 m2 माइनस 2 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1 मल्टीप्लाई बाय 5 सो 5m1 डिफरेंट टर्म्स है प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय 2 2m2 का दोनों डिफरेंट है डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 ठीक। आपका सिंपलीफिकेशन ये टर्म मिले हैं बोथ आर्डर पेयर्स। सो अब देखिए ये आर्डर पेयर है m1 मल्टीप्लाई बाय 5 5m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज टू m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का ठीक है। सो अब देखिए बोथ आर्डर पेयर्स आर इक्वल साइन दोनों इक्वल है इस डोमेन कॉमन है साइड पे भी डोमेन कॉमन है एंड आर्डर पेयर्स को आपस में मींस इस आर्डर पेयर में टर्म्स डिवाइड हो रहे हैं प्लस एंड माइनस साइन है ना प्लस हो सकते हैं ना माइनस हो सकते हैं ना डिवाइड कर सकते हैं ईच टर्म इज डिफरेंट। तो अब क्या करेंगे दोनों आर्डर पेयर इक्वल के साइन बीच में है तो दोनों को कंपेयर करेंगे डोमेन विद डोमेन रेंज विद रेंज एंड रेशियो फाइंड करेंगे ठीक है। सो लिखेंगे बाय कंपेयरिंग वी गेट डोमेन 0 इक्वल टू डोमेन वहां पर 4m1 माइनस 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 रेंज टर्म बाय इक्वल टू रेंज उस साइड पे 5m1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 ठीक है। ये सभी कंपेयर कर लिए डोमेन विद डोमेन एंड रेंज विद रेंज। अब रेशियो फाइंड करना है तो 0 इक्वल टू टर्म यहां पर y इक्वल टू रेशियो उस टर्म तो इस साइड पे रेशियो भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हम क्योंकि y वेरिएबल मौजूद है। इस साइड से हम रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं 0 है तो उस साइड पे फ्रैक्शनल टर्म है तो डिवाइड की जो कंप्लीट फैक्टर है तो उसको इस साइड पे अगर शिफ्ट करें तो 0 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा इक्वल टू माइनस 4m1 माइनस 2m2 7 सही है डिवाइड हो रहा था इस साइड पे शिफ्ट किया 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर आंसर रिमेंस 0 सो 4m1 माइनस 2m2 7 ठीक। सो 4m2 माइनस 4m1 माइनस 2m2 इक्वल टू 0 शिफ्ट किया लिख सकते हैं 0 साइड पे शिफ्ट किया है इस कंप्लीट टर्म को साइड पे शिफ्ट कर दिया ठीक। अब 4m1 के साथ 2m2 माइनस में है तो इसको शिफ्ट करने से साइड में ये हो जाएगा प्लस में अलग अलग कर दिया क्योंकि m1 रेशो m2 फाइंड करना है सो m1 उस साइड पे 2 के साथ m2 मल्टीप्लाई है इस साइड पे शिफ्ट करेंगे डिवाइड भी आ जाएगा क्योंकि रेशो कैलकुलेट करना है ठीक है।
सो 2 सेम है क्योंकि m2 आ गया है यहां पर m1 सेम है 4 को शिफ्ट करेंगे 4 m1 के साथ मल्टीप्लाई है तो साइड में डिवाइड भी शिफ्ट हो जाएगा सो m1 रेशो m2 इक्वल टू 2 1 2 2 2 4 सो 1 डिवाइडेड बाय 2 सो m1 रेशो m2 इक्वल टू 1 रेशो 2 सो पॉइंट q जो है मींस माय एक्सिस एक भी जॉइंट को डिवाइड कर रहा है 1 रेशो 2 में ठीक है तो दोनों टर्म के हिसाब से हमारे पास ये टर्म्स आ चुके हैं फाइनली हम कंक्लूड करेंगे कि अब देखिए इस साइड में कंक्लूड करते हैं हैंस एक्स एक्सिस डिवाइड्स द जॉइंट ए बी एट पॉइंट अब एक्स एक्सिस जो है ए बी जॉइंट को डिवाइड कर रहा है एट पॉइंट पी पे एट पॉइंट पी इन द रेशो सो एक्स एक्सिस पॉइंट पी पे डिवाइड कर रहा है रेशो में तो एक्स एक्सिस के हिसाब से रेशो जो डिवाइड कर रहा है वो रेशो हमारे पास माइनस टू का फाइव मिला है सो माइनस टू का रेशो फाइव ठीक एंड y एक्सिस के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा है ठीक है वो भी हमने कैलकुलेट किया y एक्सिस के हिसाब से भी सो यहां पर लिखेंगे एंड y एक्सिस डिवाइड्स द जॉइंट ए बी सेम है एट पॉइंट पी एट पॉइंट क्यू y एक्सिस जो है पॉइंट क्यू पे डिवाइड कर रहा है देखिए y एक्सिस जो है जॉइंट ए बी को डिवाइड कर रहा है जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था ठीक है स्टूडेंट्स सो देखिए ये कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन क्या पूछा था फाइंड दैट इन व्हाट रेशियो द जॉइंट दिस इज कट बाय द एक्सिस मींस जॉइंट ए एंड बी नाम दिया है इसको एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस दोनों कट कर रहे हैं हम किस रेशियो में कट कर रहे हैं वो कैलकुलेट करना था सो हमने अपनी तरफ से एक्स एक्सिस इस जॉइंट को कट कर रहा है पॉइंट बी y एक्सिस कट कर रहा है ए की जॉइंट को एट पॉइंट क्यू तो दोनों के हिसाब से फाइंड आउट किया x एक्सिस के हिसाब से रेशो एंड y एक्सिस के हिसाब से रेशो मिला तो फाइनली आंसर आपके पास सामने मौजूद है ठीक है तो ये है रेशो ठीक है स्टूडेंट्स सो उम्मीद है आप लोगों को समझ में जरूर आ गया होगा एंड प्रैक्टिस आपको करनी है प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़